करीमनगर का माहौल ये है कि कोरोना के बाद से थोड़ा सा अभी यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट है, बहुत सारे लोग बिहार चले गए थे। अभी जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ ये हिंदुस्तान की ऐसी धरती है जहाँ लाल बत्ती अपने हनक के साथ रुतबा दिखाती है। ऑनलाइन पढ़ाई होता है, ऑनलाइन यूट्यूब देखते हैं, वीडियो फेसबुक चलाते हैं, पढ़ाई थोड़ी हो पाता है। जब तक जो सपना है अधिकारी बनने का पूरा ना हो तब तक रहना ही है। घर वाले भी बार बार पूछते हैं कि इतने दिन से गए, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं, घर वाले इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मैं इस वक्त उस जगह पे खड़ा हूं जो पूरे हिंदुस्तान को कलेक्टर और अधिकारी देने के नाम से मशहूर है, मुखर्जी नगर। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या मुखर्जी नगर लॉकडाउन के जो पहले जो था वो आज भी है, यहाँ का माहौल वर्तमान में क्या है। क्योंकि मुखर्जी नगर में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बिहार पूर्वांचल के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे जो यहाँ पढ़ते हैं, उनसे जानेंगे कि माहौल क्या है। आप कहाँ के रहने वाले हुए भाई साहब? पूर्वांचल से हम। कौन जिला घर हुआ? बलिया जिला। बलिया, ये बताइए मुखर्जी नगर रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहते हैं। अच्छा, क्या माहौल है अभी? कोरोना काल चल रहा है, मास्क के बचने के लिए मास्क लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये बताइए क्या माहौल क्या है? माहौल तो ठीक है, बस प्रोटेक्शन के साथ रहेंगे तो अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ। अच्छा, पढ़ाई हो रही है सही से? पढ़ाई तो हमेशा से थी और आज भी रही, कल भी रहेगी। अच्छा, तो ऑनलाइन चल रहा है पढ़ाई भी? ऑनलाइन पढ़ाई होता है, ऑनलाइन यूट्यूब देखते हैं, वीडियो फेसबुक चलाते हैं, पढ़ाई थोड़ी हो पाता। पढ़ाई ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन। लॉकडाउन में घर गए थे? नहीं, यहीं पर थे। लॉकडाउन काट दिए ना? हाँ। और कितने दिन से मुखर्जी नगर में रह रहे हैं? 4 साल से तो रह रहे हैं यहाँ पे। मतलब क्या ले, मतलब कितना दिन तक तैयारी चलेगा? अरे जब तक जो सपना है अधिकारी बनने का पूरा ना हो तब तक रहना ही है। तैयारी करते हैं UPSC की करते हैं तैयारी। मैंने लाल बत्ती नीली बत्ती पे चढ़ने का शौक है। हाँ, अब तो बन ही गया, अब संघर्ष ले ही लिए तो लेकर ही जाएंगे अब तो। अच्छा, एकदम बन के जाइएगा अब, क्या घर वालों का? अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, मैं भी यहीं पे रहता हूँ। कौन जिला घर हुआ? सिवान में। सिवान घर हुआ। हाँ। ये बताइए किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? हम UPSC की तैयारी करते हैं। UPSC के अधिकारी बनिएगा? अरे बिल्कुल। अच्छा, क्या माहौल है, क्या विद्यार्थी जो वापस घर गए थे कोरोना में जब लॉकडाउन शुरू हुई थी, क्या लग रहा है, सब विद्यार्थी आने लगेंगे यहाँ? नहीं, सब अपने हिसाब से आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ, कोचिंग खुल गई? हाँ, खुल चुकी है, लगभग 50% स्टूडेंट आ रहे हैं। हाँ। 50% घर पे बैठ कर रहे हैं। अच्छा, तो पढ़ाई चल रही है? हाँ, मतलब पढ़ाई जोरदार चल रही है। सेल्फ स्टडी? हाँ, सब स्टडी चल रही है अभी तो। अच्छा, मतलब अधिकारी बन के जाइएगा? अरे बिल्कुल। चलिए, और भी कुछ साथियों से बात करते हैं। आप भी मुखर्जी नगर रहते हैं भाई साहब? हाँ जी, मुखर्जी नगर। कहाँ घर हुआ आपका? बिहार। बिहार में कौन जिला? समस्तीपुर। ये बताइए लॉकडाउन में घर गए थे? हाँ गया था, लेकिन फिर आ गए? हाँ आ गया हूँ। मैंने पढ़ाई जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्या किस चीज़ की तैयारी करते हैं? SSC UPSC रेलवे, मतलब यही सब की तैयारी आप? हाँ, तो ऑलराउंडर हैं। हाँ, जिसका फॉर्म आ गया डला। हाँ, डला जाना चाहिए बस। अच्छा, चलिए, अभी आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का ही। अच्छा, कॉपी उपी सब लेकर चलते? क्लास गए? हाँ, ये क्लास नहीं, ऐसे ही गया था एक दोस्त के रूम पे पढ़ने के लिए, यहीं पे बगल में मेरा PG है, वहीं पे रहता हूँ। अच्छा, PG में रहते हैं? कौन जिला घर हुआ? मेरा सासाराम। सासाराम? हाँ सासाराम, मैं विक्रमगंज दिनारा थाना से। अच्छा, ये बताइए कि क्या माहौल है अभी मुखर्जी नगर का? मुखर्जी नगर का माहौल ये है कि कोरोना के बाद से थोड़ा सा अभी यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट है, बहुत सारे लोग बिहार चले गए थे, जैसे हम लोग के दोस्त मित्र सब बिहार चले गए थे, तो कोरोना के बाद से अब थोड़ा कॉलेज मतलब खुलने लगा है, लाइब्रेरी वगैरह, तो अभी हम लोग वापस आए हैं। अच्छा, जो अभी भी बिहार में कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ रहते थे, उनको डर लग रहा है कि मुखर्जी नगर कैसे जाए या दिल्ली के कोई इलाका में कैसे जाए जहाँ वो पढ़ाई करते? नहीं तो अभी तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है। हम लोग तो बिहार से आ गए, लेकिन ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई थोड़े ना हो सकता, ऑनलाइन तो वीडियो होता है। ये तो बात सही है कि ऑनलाइन क्लास में उतनी पढ़ाई नहीं होती है जितनी कि ऑफलाइन में होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट सवाल पूछते भी हैं तो टीचर को सुनाई नहीं देता है, या फिर टीचर सारे स्टूडेंटों के सवाल को नहीं लेता है, तो हम लोग जूम ऐप के जरिए पढ़ते हैं, तो उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम। ये किस चीज़ की तैयारी आप करते हैं? मैं UPSC की तैयारी करता हूँ। मैंने अधिकारी बनना है इसलिए अभी से सूट। हाँ हाँ, तो अभी अधिकारी तो बनना है, अभी 4 साल हो गए मेरे को यहाँ पर आए हुए। मैंने पंचवर्षीय योजना यहाँ पूरा कर। हाँ, पंचवर्षीय अभी होने वाला भी है, 4 साल 4 महीने 8 दिन हो गए मुझे यहाँ पर रहते हुए। कब आए थे दिल्ली? मैं 6 अगस्त 2016 को आया था, और आज दिसंबर 2014 याद है, या सिर्फ जब मुखर्जी नगर आए वही याद है? नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी याद है, लेकिन मुखर्जी नगर जो आए थे वो याद है, क्योंकि घर वाले भी बार बार पूछते हैं कि इतने दिन से गए, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं, घर वाले इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो मेहनत करते हैं हम, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मेहनत करते हैं, एग्जाम भी सही जाता है लेकिन रिजल्ट सही नहीं आता। हाँ, चूंकि इतना कंपटीशन है, इतना टफ है, हम लोग तो अब खुद से बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का फल कब मिलेगा ये तो भगवान जाने, लेकिन मेहनत का फल, हाँ मेहनत का फल मिलना तो मेहनत का तो फल मिलता है भाई साहब। चलिए भाई साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं सुन करके, भाई साहब वो बोले कि मेहनत का फल मिलता है, क्या लग रहा है मुखर्जी नगर में मिलता है मेहनत का फल? मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप कहाँ के रहने वाले हुए? जहानाबाद जिला। जहानाबाद, हम लोग जहानाबाद घर। ये बताइए कि क्या माहौल है अभी मुखर्जी नगर का? अभी स्थिति ठीक ठाक है, पहले से कुछ आने लगे हैं बच्चे, विद्यार्थी लोग जो भी गए थे यहाँ से लॉकडाउन में घर चले गए, तो आने लगे सब? हाँ, 20% तो आए हैं बच्चे। यहाँ पीजी में रहते हैं? नहीं नहीं, अपना रूम लेकर रखे हैं। रूम लिए हैं या किचन लिए हैं? साफ साफ बोलो। रूम है। रूम है? हाँ रूम है। अच्छा, रूम कितना पैसा लगा? 8,000 रुपये। दो लड़के ना कि अकेले? दो लड़के हैं। दो लड़के किस चीज़ की तैयारी करते हैं? UPSC। अधिकारी बनिएगा? हाँ हाँ। बनकर क्या कीजिएगा अधिकारी? देश की सेवा करेंगे, और अभी जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ ये हिंदुस्तान की ऐसी धरती है जहाँ लाल बत्ती अपने हनक के साथ रुतबा दिखाती है। लाल बत्ती तो बंद हो गया, लेकिन हनक वही लेकिन है, हनक वही है। अच्छा वही है। तो मतलब अब लोग आने लगे हैं? हाँ, विद्यार्थी आने लगे। हाँ, आने लगे हैं, और दिसंबर के बाद जनवरी से भी कुछ और विद्यार्थी बढ़ेंगे। अच्छा। क्योंकि अभी और भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है बिहार यूपी में, तो उसके बाद हो सकता है कि संभवतः कुछ विद्यार्थी बढ़ेंगे। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ इस आग में, मुखर्जी नगर की आग में कुछ जलकर हीरे बन जाते हैं और कुछ जलकर राख बन जाते हैं। हाँ हाँ, तो सच्चाई है कुछ निकलते हैं या सिर्फ मतलब सब घर वापसी होती है सब? नहीं नहीं, कुछ बच्चे तो निकलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई निकल ही जाए। अब जैसे कुछ रेशियो निकाला जाए तो 1,000 बच्चे में से 200 या 100 बच्चे ही निकल पाते हैं। बहुत सारे कि बहुत लोगों की निराशा भी हाथ लगती है। मुखर्जी नगर इतना प्रसिद्ध क्यों है? बस केवल कोचिंग और IAS के नाम पे जो सो प्रसिद्ध है, और बहुत सारी कुछ 6-7 साल पहले तो ये भी नहीं था कि हाँ SSC वगैरह की कोचिंग, लेकिन अब 6-7 साल में SSC और रेलवे की कोचिंग। कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। अभी और रहने का मिजाज है, मतलब 2-4 साल और रहिएगा? हाँ हाँ, जरूर रहेंगे, जब तक निकलना जाए तब तक। प्लॉट लिखाइएगा कहाँ है? नहीं नहीं, प्लॉट नहीं लिखाइए, प्लॉट नहीं लिखाना है, लेकिन PG और रूम मतलब एक कर दीजिएगा। नहीं नहीं, अपना कुछ जो सपना लेकर के आए हैं वो अपना लेकर के ही जाएंगे। जो सपना लेकर के आए हैं? हाँ, सपना लेकर के आए हैं या मतलब वो सपना? नहीं नहीं, वो सपना नहीं, वो तो ब्रेकअप के बाद चली गई, लेकिन ब्रेकअप हुआ था? हाँ हुआ था, एक साल हो गए ब्रेकअप को। एक साल मुखर्जी नगर में ही? नहीं नहीं, अपने बिहार में ही। अच्छा, मतलब वहीं लेकर गए, छोड़ दिए? वहीं छोड़ दिए, वहीं पर। चलिए, बहुत बहुत बधाई भाई साहब। अब यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं भी यहीं रहता हूँ। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? ग्रुप D से उठा लीजिए UPSC तक। सब चीज़ की तैयारी करते हैं? सब चीज़ का फॉर्म भरते हैं। ग्रुप D से उठा लीजिए UPSC तक। सब चीज़ की तैयारी करते हैं? सब चीज़ का फॉर्म भरते हैं। रिजल्ट आता है किसी चीज़ का? अब एग्ज़ाम का डेट आता तो मतलब पता नहीं चलता था, और जो डेट आता था हमें को यहाँ डर लगता है कि नहीं कोरोना से? डर तो लगता है, लेकिन अपना सेफ्टी अपने करते हैं। अच्छा, अपना सेफ्टी अपने करते हैं। चलिए, तो यहाँ के जो विद्यार्थी थे जो बिहार से करीब 1,000 किलोमीटर दूर दिल्ली के मुखर्जी नगर में आकर के अधिकारी बनने के सपना देख रहे हैं, उनका साफ साफ कहना है कि सेफ्टी भी अपने हाथ में ही है, और लोग अपने तरीके से यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ऑनलाइन क्लास कब तक चलेगी और विद्यार्थियों को कब तक सुविधा मिलेगा।